नमस्कार दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा था। IAS अफसर बनी नव्या के साथ, UPSC टॉपर रही नव्या के साथ। उत्तर प्रदेश के जालौन में यही कोई तकरीबन रात हो रही थी और ये रात अपने साथ कड़ाके की ठंड लेकर आई थी। नव्या, नव्या शर्मा, जिसकी ख्वाहिश IAS बनने की थी, अपने दिन भर की पढ़ाई पूरी कर रात के खाने के इंतजाम के लिए रसोई घर में पहुंचती है। तभी उसकी नजर राशन के डब्बों पर पड़ती है जिसमें अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है और नव्या दरवाजा खोलती है और पाती है कि उसके पिता आंख में आंसू लिए और हाथ में एक फटी किताब लिए घर में घुसते हैं। अचानक पिता की आंखों में आंसू देख नव्या घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ पापा। दरअसल नव्या के पिता पैसे से रिक्शा चलाते थे और आज दिन भर की कमाई कर अपने रिक्शे से घर लौट रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर एक बुक स्टॉल पर पड़ी, जहां एक किताब पर बड़े अक्षरों वाले शीर्षक में लिखा था, ऐसे बने IAS। जैसे ही नव्या के पिता की नजरें इस किताब पर गई, 12वीं पास नव्या के पिता अपना रिक्शा रोक झट से उस किताब का मूल्य दुकान वाले से पूछने लगते हैं और दुकान वाला नव्या के पिता को एक रिक्शा चालक की हैसियत से देख हंसकर मना कर देता है और बोलता है कि ये किताब क्या करोगे, ये तुम्हारे काम के नहीं। नव्या के पिता 50 रुपए देकर उस किताब को खरीद लेते हैं। दरअसल आज दिन भर रिक्शा चलाकर कुल कमाई 350 रुपए हो गई थी, जो रोज की अपेक्षा ज्यादा थी, और खुशी खुशी वे उस किताब को अपने रिक्शे की सीट के अंदर डालकर आगे बढ़ते ही हैं। तभी वहां खड़े 3 लड़के, जो बड़ी देर से नव्या के पिता को किताब लेता देख रहे थे, वे आकर रिक्शे पर बैठ जाते हैं और मुख्य डाकघर की ओर चलने को बोलते हैं, लेकिन नव्या के पिता जाने से मना कर देते हैं। फिर भी वे तीनों लड़के उन्हें जोड़ देकर ले जाते हैं और रास्ते में बातों बातों में किताब के बारे में पूछने लगते हैं कि तू इस किताब का क्या करेगा, तू तो अमीर है, चल रिक्शा रोक। अब नव्या के पिता डर कर रिक्शा रोक कर कहते हैं, आप लोग यहीं से चले जाओ, मुझे घर जाने दो। लेकिन शायद उन तीनों का इरादा कुछ और ही था और वे उन्हें पकड़कर उनके जेब में बचे हुए 700 रुपए और मोबाइल फोन छीन लेते हैं और एक दूसरे से मजाक करते हुए सीट के अंदर रखी किताब को निकालकर 3 भागों में बांटकर हंसते हुए एक एक ले लेते हैं और उनमें से एक कहता है, एक भाग चाचा को दे दो, IAS बनेगा, और उन्हें लूटकर भाग जाते हैं। और अब जैसे ही यह बात नव्या सुनती है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और पिता से लिपट कर खूब रोती है। जहां एक ओर घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी विपदा आ गई थी। लेकिन अब नव्या यह ठान लेती है कि उसके पिता को जिन लोगों ने मारा पीटा है, पैसे छीने हैं, उनसे वो बदला जरूर लेगी। लेकिन जब जब वह फटी हुई किताब पापा के हाथों में देखती, उससे रहा नहीं जाता और वह पापा से बोलती है कि इसकी पुलिस कंप्लेन करवाते हैं। लेकिन पिता पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत में नहीं थे, परंतु नव्या थी तो एक IAS की तैयारी करने वाली लड़की, जिसे यह अच्छी तरह मालूम था कि यदि ऐसे अपराधों की पुलिस कंप्लेन नहीं की गई तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वह इन दिनों अपनी पॉलिटी के सिलेबस में अपने मूल अधिकार को भी पढ़ रही होती थी। और अब नव्या समझ चुकी थी कि हमारे अधिकार क्या है। वह झट से अपने पिता को लेकर नजदीकी पुलिस थाने पहुंचती है और FIR दर्ज करने की बात पुलिस से कहती है। लेकिन शायद किताबों में पढ़े नव्या ने जो मूल अधिकार पढ़े थे, जमीन पर वह धूमिल नजर आ रहे थे, क्योंकि थाने में कोई भी प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज करने को तैयार नहीं था और यह कह रहे थे कि ये रिक्शे वाले, चौल वाले खुद मोबाइल बेचकर झूठी कंप्लेन लिखवाने चले आते हैं। ये सब बातें सुनकर नव्या के पिता के कान खड़े हो जाते हैं और नव्या के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन IAS अधिकारी बनने वाली परीक्षा की तैयारी करने वाली नव्या झट से अपनी मोबाइल निकाल इंस्पेक्टर साहब के सामने ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है
और पूछती है कि आप थाने के दारोगा हैं और आप इस वीडियो में सिर्फ इतना बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या परेशानी लेकर आपके पास आता है तो FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। यह देखते ही इंस्पेक्टर साहब का चेहरा लाल हो गया और तमतमाती हुई आवाज में उन्होंने बोला कि आप मोबाइल नीचे करिए, और तुरंत ही नव्या के पिता के तहरीर पर प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज हो जाती है। लेकिन थानेदार साहब ने नव्या को उसकी औकात बताने की धमकी पहले ही दे दी थी। बहरहाल नव्या ने लोकतंत्र के पांचवें स्तंभ के रूप में जाने जाने वाली सोशल मीडिया का डर दिखाकर FIR तो लिखवा दिया और घर चले आए। नव्या जैसे ही घर पहुंची उसकी नजर पिता के लाए उस फटी हुई किताब पर पड़ी और उसकी आंखें फिर भर आईं और उसने यह प्रण कर लिया कि या चाहे कुछ भी हो अब मुझे IAS ही बनना है। नव्या ने यह ठान लिया और अगली सुबह वह अपनी पढ़ाई का नया टाइम टेबल बनाती है और ये सेट कर लेती है कि कैसे भी कर मुझे दिन के 10 घंटे पढ़ना ही है। और शायद किसी ने सही ही कहा है कि भूखा पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नव्या दिन के 10 की जगह 12-12 घंटे पढ़ने लगती है और इंटरनेट की मदद से करंट अफेयर, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, UPSC के लिए, इन सब की जानकारी इकट्ठा कर लेती है। और इधर दूसरी ओर पिता के साथ हुई लूटपाट की FIR सरकारी पन्नों में दबी धूल की भेंट चढ़ रही थी, यानी कि पुलिस भी यह मान चुकी थी कि जब जब जो होना है तब तब सो होगा और समय बीत जाता है और UPSC IAS की प्रीलिम्स परीक्षा का दिन भी आ जाता है और नव्या प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है। जी हाँ, नव्या प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है और अब मेंस परीक्षा की बारी थी। कहते हैं UPSC के मेंस परीक्षा में आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते हो, साथ ही साथ न्यूज़पेपर में निकले आर्टिकल्स संपादकीय पढ़ते हो। और नव्या ने तो इंटरनेट की मदद से टॉपर्स की कॉपी देखकर उसी तरह लिखने की खूब प्रैक्टिस की थी कि मेंस की परीक्षा का दिन भी आ जाता है और नव्या मेंस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लेती है यानी कि पास कर लेती है। अब बारी इंटरव्यू की थी। एक रिक्शे वाले की बेटी अपनी कड़ी मेहनत से इंटरव्यू तक पहुंचती है और आज जब नव्या इंटरव्यू देने जाने की तैयारी में हो रही थी तो उसकी नजर उस फटी किताब पर पड़ती है जिसके 3 टुकड़े कर बदमाशों ने एक टुकड़ा पिता को दे दिया था कि नव्या की आंखें फिर से भर आती हैं और इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है। अब बारी अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट की थी। ये देर शाम UPSC का रिजल्ट आ जाता है और नव्या ने आज अपने नाम के आगे IAS लगा लिया था। जी हाँ, नव्या को IAS वाली रैंक मिल चुकी थी। पिता को यह यकीन नहीं हो रहा था कि बेटी अब IAS नव्या हो गई है। नव्या दौड़े दौड़े घर में जाकर वह फटी हुई किताब लाती है जिसे लुटेरों ने पिता को दी थी और उसे देख बेटी और पिता खूब रोते हैं, लेकिन आज यह आंसू खुशी के थे और पिता झट उस बुक स्टॉल पर जाकर उस किताब वाले को मिठाई खिलाते हैं जहां से उन्होंने उस किताब को लिया था। और आज बुक वाले को भी यह यकीन हो गया था कि किताबें कोई भी ले जाए, यदि सही ढंग से प्रयोग करे तो कुछ भी असंभव नहीं। आज नव्या IAS नव्या बन चुकी है और जिस भी जिले में जाती है वहां की कानून व्यवस्था का काया पलट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ठान लिया है कि मेरे को यार ये करना है, मेरे को SSC करना है, UPSC करना है, जो भी आप अपने जो भी टारगेट सेट कर रखा है, लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा है, यदि आपने कर लिया, अपना मोटो बना लिया है, तो प्लीज आज से लग गया। देखो हर एक आप में, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप में नव्या, आप में वो नव्या के ढेर जो आपकी मोटो है, वो नव्या का जो मोटो था वो आपके अंदर भी है, लेकिन उसे जगाने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन दिलो दिमाग ये कहेगा कि हाँ कुछ करते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर कर दें कि हर नव्या तक ये वीडियो पहुंचाए। पहुंचाएंगे अगर आप नव्या तक हर ये वीडियो पहुंचाएंगे तो प्लीज शेयर कर दे, लाइक का बटन दबाए और हाँ कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखना ना भूले। मुझे उम्मीद है कि आप लगातार इसे शेयर करेंगे और जो मैंने बातें बताई नव्या की जिंदगी को अपनी जिंदगी पे अप्लाई करेंगे। नव्या ने जो कुछ किया, जो कुछ झेला,
उन सब का निष्कर्ष आप अपने लाइफ में इसको क्या करेंगे, लाएंगे। और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आज से आप लग जाएंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।